और शाम 4:30 बजे डीडी नेशनल पर। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्रधानमंत्री वन धन योजना की। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनजाति के जीवन के अंदर आर्थिक विकास लाना और उनके जीवन को और सुखद बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, वो भी इस योजना के माध्यम से उसको प्रोलिफरेट किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी और इनके नॉलेज के कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत ही बड़ा एक पहलू है। दूरदर्शन ने हमेशा ही अपने प्रोग्राम्स के जरिए देश की संस्कृति और विरासत को संजो कर रखा है। बहुत खुशी हो रही है कि श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर दूरदर्शन रोज 3 घंटे का विशेष प्रसारण करने जा रहा है। स्वागत है श्री राम प्रोग्राम के जरिए। मैं तो देखूंगी, आप सभी जरूर देखिए। जय श्री राम। स्वागत है श्री राम अयोध्या से प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे से 1 बजे डीडी नेशनल पर। मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्रधानमंत्री वन धन योजना की। प्रधानमंत्री वन धन योजना या वन धन विकास योजना भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जरिए शुरू की गई एक ऐसी स्कीम है जिसका मकसद भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज के जरिए उनके लाइवलीहुड को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए वैल्यू चेन तैयार करने और स्किल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए ट्राइबल कम्युनिटीज की आमदनी को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। तो क्या है प्रधानमंत्री वन धन योजना का कॉन्सेप्ट और कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमान को। हमारे साथ हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की गवर्निंग बॉडी के मेंबर प्रोफेसर सीके वार्ष्णेय, IIPA में प्रोफेसर अनुपुर तिवारी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ गुप्ता। आप तीनों का स्टूडियो में वेलकम है। तो आज हम आपसे तफसील से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री वन धन योजना की। सबसे पहले प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपसे समझना चाहेंगे ये स्कीम क्या है और किस मकसद के साथ इसे शुरू किया गया। देखिए, ये जो वन धन योजना की जो स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनजाति के जीवन के अंदर आर्थिक विकास लाना और उनके जीवन को और सुखद बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना। इसका जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि ये लोगों के पास में जंगल में ये लोग और जैसे जनजाति हैं तो उनके पास में बहुत से पास तो जमीन के पट्टे ही नहीं हैं। उसके साथ साथ जो भी वो वहाँ से इकट्ठा करते हैं उसकी वो ठीक तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। बाजार की गांव की जो हाट होती है वहाँ पर जो लोकल बनिए होते हैं या मिडिलमैन जिनको हम कहते हैं, वो अधिकतर उनको डिसीव करते हैं और इससे उनको पूरी उसकी कीमत नहीं मिल पाती है और इससे उनके जीवन के अंदर बहुत गरीबी बढ़ती चली जाती है और उनका जीवन सुधरता नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सोचा गया कि क्या एक ऐसा सिस्टम निकाला जाए जिससे कि ये जो बीच के बिचौलिए हैं और जो कि वास्तव में उनको डिसीव भी करते हैं और उनके साथ में छल भी कर जाते हैं, तो क्या उसकी सही कीमत उनको दिलवाई जा सकती है। तो इसके लिए ये वन धन योजना की एक शुरुआत की गई जो कि 14 अप्रैल को बीजापुर में और छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ हुआ, जिस दिन के हमारे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी है। तो उस दिन मुख्य कारण यही है इसका कि किस प्रकार से उनके आर्थिक आय को वृद्धि की जाए और उनके जीवन को और बेहतर किया जाए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर शुभ आपसे समझना चाहेंगे कि 2018 में जैसे कि बता रहे हैं प्रोफेसर साहब की शुरुआत इसकी की गई, मकसद जैसा कि इन्होंने बताया अभी, अगर हम बात करें कि MFPs जो होते हैं उनको उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई, तब से अपने क्या फ़र्क दिखाई देता है? जब ये स्कीम लॉन्च हो रही थी तब का मेरे को प्रधानमंत्री जी का भाषण याद है, तो कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, हम लोगों को जो वन धन, हम लोग जनरली जब सोचते हैं तो हमेशा टिम्बर प्रोडक्ट्स के बारे में, लकड़ी के बारे में सोचते हैं, अभी वन धन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे कल्पना आई MFP की, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, महुआ का फूल हो गया, अनेकों अनेक जैसे कि हनी भी, हनी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वनों में उपलब्ध हैं, उपलब्ध थी, लेकिन उनका सही प्रकार से मार्केटिंग नहीं हुई, सही प्रकार से उनको दिया नहीं जाता था। आज की डेट में सरकार ने जनजातीय लोगों को एम्पावर किया है कि वो अपने ही प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन करके बेच सके। जी जी बिल्कुल, प्रोफेसर वाश ने हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस इस योजना के बारे में, किस तरह से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर ट्राइबल्स का हुआ तब से अब तक, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गरीब तबका है हमारे देश का, और उनका जो जीवन प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि उनका जंगलों से और वहाँ के जो हैबिटेट है और जो वहाँ का वातावरण है उससे उसका बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने सदियों से उसके साथ में रहना सीखा है और एक ऐसा समन्वय बनाया है जिससे कि वहाँ पर वो इकोलॉजिकली सेफ तरीके से और सस्टेनेबली रह रहे हैं जी। लेकिन जो वहाँ की प्रोड्यूस होती है वही उनका एक जीवन आधार है, लेकिन इसमें करीब 60-70% जो एक उनकी आमदनी है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होती है, जिसके अंदर बताया महुए के फूल हैं और जंगली ये शहद है, और उसके साथ साथ साल के बीज हैं और करंज के बीज हैं, और उसके बाद में चिरौंजी है जो कि बहुत ही महंगी है और आजकल बहुत ही उसकी उपयोगिता बढ़ी हुई है जी। और इस तरह की जो चीज़ें वहाँ से वो इकट्ठी करते हैं उसका मूल्य तो बहुत होता है, लेकिन वास्तव में उनकी उनको पूरी तरीके से उसकी मूल्य मिल नहीं पाता है बिचौलियों की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी आय में कोई दिक्कत उनको आती है और उनका निर्वाह बहुत मुश्किल हो रहा है और गरीबी से गरीबी होते चले जा रहे हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए ये जो वन धन योजना आई है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन, अब वैल्यू एडिशन सिर्फ कहने से नहीं होता, इसके लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है कौशल विकास, तो उनका कौशल विकास होना चाहिए, किस तरीके से उसका वैल्यू एडिशन हो, जैसा अभी बताया कि ये महुआ के जो फूल थे जो गिरते हैं, जो कि स्वयं ही गिरते हैं पेड़ से, उनको हर साल इकट्ठा करते हैं और लोग ज़्यादातर उसकी शराब बनाते हैं या उसको रख लेते हैं, और जो बरसात के बाद में या बरसात के दिनों में उसका आटा बना के उसकी रोटी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन अब उससे बिस्किट भी बन सकती है, बनाया लोगों ने। उड़ीसा की जो जनजाति लोग हैं उन्होंने कौशल विकास के कारण जो उनकी ट्रेनिंग हुई और जिस तरीके से उनको समझाया गया तो उन्होंने जैम भी बनाए, बिस्किट भी बनाए, कैंडीज भी बनाए हैं और उसकी टॉफी भी बनाए हैं। तो इस तरीके से जो वैल्यू एडिशन हुआ जो उसमें, तो वो वैल्यू चेन जो में इम्प्रूव हुआ, तो उसकी वजह से अब उनको अधिक मार्केटिंग करने में भी आसानी होती है और लोगों को एक नए नए प्रोडक्ट के बारे में इस्तेमाल करने की भी एक एक मैं समझता हूँ एक खुली तरीके से उनको पता भी चलता है कि क्या क्या हो सकता है। तो इस सब को आगे बढ़ाने के लिए ट्राइफेड को एक लगाया गया जो कि एक संस्था है और जो इनके कौशल विकास और इन सब चीजों के बारे में सोचती है। अच्छा, इनको वित्तीय दान भी दिया गया है क्योंकि हर विकास केंद्र के अंदर थोड़ा सा उनको वित्त सहायता दी जा रही है, वित्त पोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर उनको उत्साहित किया जा रहा है कि वो किस तरीके से आपस में मिल करके, अगर छोटे छोटे आदमी एक एक दो दो फैमिली के मेंबर्स अगर उसको इकट्ठा करते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम होती है और उसको मार्केट में ठीक तरीके से बेचा भी नहीं जा सकता। तो इस तरीके से उनका समूह बना करके उसकी मात्रा को अधिक बढ़ाया जाए और फिर किस तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि उनको अच्छी तरीके से उसका मूल्य मिल सके और उसके साथ साथ धीरे धीरे उसकी वैल्यू चेन बढ़ाई जा सके और उसके अंदर एक और
अच्छी तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की जा सके ताकि वो मार्केट के अंदर जाए और उसके साथ साथ उसका एक मैं समझता हूँ जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करने से देश में और विदेश में इन सब चीज़ों की हम आपूर्ति कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ई प्लेटफॉर्म प्रोफेसर वाश ने ई प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। ये बता दें अपने व्यूअर्स को कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर सी के वाश ने, प्रोफेसर नुपुर तिवारी और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ गुप्ता। गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजो की बोल आपका हो जाए। प्रोफेसर नुपुर तिवारी आपसे जानना चाहेंगे, IIPA का एक बड़ा रोल रहा है अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग में, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना की, किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है? जी ज़रूर, इसमें आप जैसे कि शुरुआत में भी आप लोगों ने कहा और मैं बताना चाहूँगी कि 100 मिलियन जो है फॉरेस्ट डॉलर्स जो हैं वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंसी उनकी होती है। इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक लाइवलीहुड के लिए ही नहीं होती है, इनकी शेल्टर भी है, खाना भी नहीं मिलता है इससे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अभी तक देखा जाए तो 2,00,000 करोड़ जो है वर्थ रिटर्न होता है ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। तो वंदन विकास केंद्र, 50,000 वंदन विकास केंद्र बनाने की ये प्रपोज्ड है और काफ़ी इसमें ट्राइफेड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की आप बात करें तो ये सिर्फ वैल्यू एडिशन इसमें कैसे करना है, जैसे कि वो प्रोवाइड करेंगे, आपको सीव देंगे, आपको कटिंग सस्टेनेबल कटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ये देते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं जैसे क्लस्टर्स के थ्रू 30 लोगों को पूरी ये ट्रेनिंग देंगे कि इसमें कैसे किसी भी चीज़ों को काटनी है या वैल्यू एडिशन करना है। जैसे महुआ की ही कलेक्शंस है तो आप पेड़ काट के नहीं करेंगे, वो पेड़ को हिला करके करते हैं, उसमें जो भी गिरता है और उसकी कलेक्शन उसकी होती है। तो इसमें ट्रेनिंग में आप शुरुआत से ही ये वंदन विकास केंद्र की है कि इसकी कलेक्शन है, इसकी कलेक्शन के बाद वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन के बाद आप उसको ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करने के बाद आप उसको एक मतलब मार्केटिंग करते हैं, उसमें एक फैक्टर स्टोरेज का भी है। तो ये 5-6 पहलू पर इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी कैपेसिटी को भी बिल्डअप किया जाता है। जी, तो इसके लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। डॉक्टर शुभ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की और बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी, किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह के बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं अगर हम प्रधानमंत्री वंदन योजना की बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन? अभी रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि मिलेट्स का, जो मोटा अनाज का, कितना बढ़ावा सरकार कर रही है। तो नेचुरली भारत में हर जगह पे राजस्थान के लोगों की खाद्य पद्धति अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, पूर्वोत्तर भारत में अलग है। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, वो भी इस योजना के माध्यम से उसको प्रोलिफरेट किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे उत्तर भारत में ज़्यादा गेहूँ चावल खाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलेट्स का उपयोग होता है, मूँगफली के तेल में वहाँ खाना बनता है। तो ये जो फूड डाइवर्सिटी है वो भी उससे दिखती है। अभी हमको ध्यान में आएगा कि महाराष्ट्र में राहीबाई पोपरे, जिनको बीज माता कहा जाता है, उन्होंने कितने राइस के वैरायटीज़ को, कितने खाद्यान्न के वैरायटीज़ को अभी बचाया है और वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की कमी है उसको बढ़ावा देता है, उसको सही करने में मदद करेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि खापली गेहूँ का बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, जो हम आज गेहूँ खाते हैं वो ना जाने कितने अन्य अन्य वैरायटी के गेहूं से बन के एक गेहूं हमको मिला है, उसमें कितना ऑल्टरेशन हुआ है, उसके कितने डीएनए में ऑल्टरेशन हुआ है। लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट था, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, वो कहीं हम इस पूरे उस समय की ज़रूरत नहीं होगी 1960s में 70s में कि हमको पूरे देश का पेट भरना है, लेकिन आज हमारी ज़रूरतें अलग हैं और आज उन ज़रूरतों की पूर्ति कहीं ना कहीं ये वंदन विकास योजना के माध्यम से हम कर पाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, जो पूरा का पूरा कोष है, वो कहीं ना कहीं जनजातीय समाज के पास छुपा हुआ है और आज उसको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है सरकार द्वारा, ट्राइफेड द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि जो लोकली प्रोड्यूस है वो ग्लोबल मार्केट तक कैसे अचीव किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। तो इस माध्यम से मेरे को लगता है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है खाने में, पहनने में, वेशभूषा में, आज जो मैं ये पहन के आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन मैं मिजोरम का ये स्कार्फ पहन के आया हूँ, तो ये हमारी डाइवर्सिटी को परिलक्षित करता है। वंदन विकास योजना इसको बढ़ावा भी देगी।
गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए झुंझा की बार आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। प्रोफेसर वाश ने आपसे यहाँ पे समझना चाहेंगे, अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, आप बता रहे थे टेक ट्राइबल्स की, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो इकॉनमी के साथ साथ अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देखें तो किस तरह के अचीवमेंट्स, क्या कुछ हासिल किया जा चुका है अब तक इसके जरिए? देखिए, जहाँ तक कि अचीवमेंट का और उद्देश्यों का सवाल है तो दो चीज़ें इसमें और मुख्य हैं जो इसके अंदर निहित हैं। एक तो ये कि महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाना और उनका इकोनॉमिक सिस्टम से उनका जुड़ाव बढ़ाना, तो इसमें एक ये भी खास बात, जो अधिकतर जो चीज़ें इकट्ठी जंगल से की जाती हैं उसमें महिलाओं का बड़ा भारी योगदान रहा है। तो इस तरीके से उनकी जो आत्मनिर्भरता है और दूसरी उनकी आर्थिक सुदृढ़ता है उसको बढ़ावा देने का भी ये काम करती है, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ चूँकि उनको जंगल से ये सारे सामान इकट्ठे करने हैं और ये उतनी उपलब्धियाँ करनी हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी एक इनडायरेक्टली इनका बड़ा योगदान रहता है, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता, उसके संरक्षण में भी इसका बड़ा भारी योगदान है। तो इस तरीके से जो हमारा जेनेटिक रिसोर्स है और जो कंट्री का एक बहुत व्यापक बायोडाइवर्सिटी है और जैविक विविधता है, तो उसके संरक्षण में भी इसका बड़ा भारी योगदान मिलता है। इसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर है, और इसकी वजह से जो ब्रांडिंग होगी और जो लोगों को ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा जो कि शुद्ध होगा, डिपेंडेबल होगा, और उसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी एक सही तरीके की एक, मैं समझता हूँ, एक एहसास रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ जब ब्रांडिंग बढ़ेगी तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और उसकी आमद भी बढ़ेगी। तो इस सब से एक बहुमुखी इन लोगों की स्थिति में परिवर्तन आएगा और आ रहा है। और जैसा कि बताया कि अभी 10 लाख जनजाति के लोग इससे जुड़ने का एक लक्ष्य है, जो कि 50,000 केंद्र बनेंगे और उसके अंदर ऐसा होगा, तो हर केंद्र के अंदर 300 के करीब सदस्य होंगे, और उसके साथ साथ इनको अनुदान भी दिया जाएगा, वित्त पोषण मिलेगा, तो उसकी वजह से इनका जो विकास कौशल है और दूसरा जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है और नए नए जो उसके प्रोडक्ट बनेंगे, तो उन सब का एक बड़ा भारी एक अलग से एक खाता खुलेगा और एक चैप्टर बढ़ेगा, और इसका तो अभी विकास की शुरुआत है, आगे इसका भविष्य बहुत आगे तेज है और इसका बहुत सारा प्रभाव भी है। जहाँ तक के जनजाति का सवाल है, इनका तो मुख्य आश्रय वो जंगली पेड़ पौधे और वो ही हैं, तो इसकी वजह से इनके रहन सहन, इनके पास में अपनी ज़मीन नहीं, काफ़ी लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, और जब जब हमारे यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए हैं तो इन जनजातियों के ऊपर बहुत भारी कष्ट आया है, इनको हटाया गया है, तो इसलिए इन्होंने अपनी ज़मीन भी खो रखी है, इनकी अपनी पट्टेदार ज़मीन भी नहीं है। तो इन सबको देखते हुए ये बड़ा आवश्यक है कि इनको सहारा दिया जाए और इनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और ये आगे बहुत एक मेन स्ट्रीम के अंदर आए और इससे इनका बहुमुखी विकास हो। बिल्कुल प्रोफेसर वाश ने, बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है जैसे कि आप बता रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर अनूपुर आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम वैल्यू चेन की बात करें तो किस तरह से ग्रास रूट लेवल तक इसका बेनिफिट पहुँच सके, फ़ायदा पहुँच सके, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की चेन है, ये समझना चाहेंगे? देखिए, अभी के समय में सबसे बड़ी बात सरकार की, जहाँ तक जितनी भी स्कीम है आप देखिए, रीचिंग टू द लास्ट माइल सबसे बड़ी इसमें, जो आप ग्रास रूट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो वंदन योजना में भी इस चीज़ को काफ़ी महत्व दिया गया है कि सबसे आखिरी जो है वो वहाँ तक पहुँचे, और इसमें जितनी भी वैल्यू चेन की आप जो भी बात करें, एक बड़ा चीज़ जो उसमें यूज़ किया गया है वो ये है कि ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल को यूज़ किया जा रहा है। मतलब आप कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो उसके जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और उनकी स्किल है उसको मद्देनजर रखते हुए या उसका इस्तेमाल करके ही आप सारे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो एक ऊपर से ये चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों को ही काफ़ी
आगे लेकर के आया जा रहा है, तो उसमें कंफर्ट लेवल भी उनका है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण जो ट्राइबल उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनकी नॉलेज का भी ऑप्टिमम यूज़ किया जा रहा है। तो लाइवलीहुड जनरेशन में ये सबसे लास्ट माइल तक जाना एक इसका लक्ष्य है, और इनके ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल को यूज़ करते हुए इसमें एक वैल्यू एडिशन करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। दूसरी ये चीज़ें हैं जो अभी तक से ये करते आए हैं, ताकि ये वंदन योजना तो 2018 में हुआ, काफी साल इसके हो भी गए हैं, लेकिन इसके पहले जो हुआ करते थे कि आप मिडलमैन के थ्रू या जैसे भी इसको बेचते थे प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल भेजते थे, फाइनल प्रोडक्ट्स तो भेजते नहीं थे, लेकिन उसमें अभी बहुत जो इनको 20% भी उसकी जो उसको बेचने के बाद जो इनकम होती थी वो मिलती नहीं थी। लेकिन अभी के समय में उम्मीद है कि 50% कम से कम उम्मीद मिले, उसकी जो इनकम की जनरेशन होती है वो इनको मिले, और इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन इसमें की गई है वो फाइनल बेचें, रॉ मटेरियल ना बेचें बल्कि फाइनल प्रोडक्ट बेचें जी। तो इन सब चीजों का लास्ट माइल तक जाए तो काफी बेनिफिट होगी। प्रोफेसर नूपुर, इसमें IIPA का क्या रोल है वो समझना चाहेंगे। IIPA इसमें काफी हद तक एक तरह से देखिए तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कर सकता है, आपकी VDVK जो कैसा काम कर रही है इसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बहुत ही जरूरत है, और इसमें काफी बड़ा रोल इसमें IIPA का हो सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन काफ़ी IIPA करता है, गवर्नमेंट की सरकार की स्कीम। उसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम है तो शॉर्ट टर्म एक रिव्यू अगर हम IIPA करके इसको देता है, हम लोगों ने इस तरह के काम भी किए हैं इसमें, तो उसमें अगर पॉलिसी चेंज भी कुछ करनी है तो तुरंत ही मॉनिटरिंग करके उसको सरकार को दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि IIPA चूँकि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में काफ़ी सालों तक रहा है, तो ये सारी चीज़ों की स्कीम की जो है इसकी जानकारी लोगों को दी जाए एज अ कैंपेन के मोड में, और ये वंदन विकास केंद्र की भी जो है किस तरह से स्किल डेवलपमेंट ये कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, उसमें भी एक टेक्निकल सपोर्ट ये IIPA कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर शुभ आपसे समझना चाहेंगे ऑल्टरनेट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल, कैसे ये स्कीम हो सकती है। जी, जैसा कि अभी बताया गया कि लास्ट माइल पे जो व्यक्ति है उस तक विकास की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस तक विकास पहुंचना चाहिए, जो अंत्योदय की कल्पना लगातार हमको बताई जा रही है, लेकिन इसको देखने का नज़रिया थोड़ा बदला जा रहा है, और जो हमको बताया जा रहा है कि लास्ट माइल पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति हमेशा ट्राइबल ही होगा, तो मेरे को लगता है कि अब वो फर्स्ट माइल होने जा रहा है, और हम लोग जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो हम लास्ट माइल में आने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो आसपास के क्षेत्रों में उसका उपयोग होगा। अभी आप देखेंगे दिल्ली में जो मैं अभी खापली आटा के बारे में बता रहा था, लगभग 300 रुपये किलो उसकी वैल्यू है, जबकि आटा उससे 10 गुना कम में आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो रीच है, जो उन लोगों की रीच है, अब उनके पास जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनके पास वो सारा ज्ञान कोश है। ज़रूरत ये है कि हम लोग इस चीज़ को देखें कि हम लोगों के पास सारा ज्ञान नहीं है, यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है विकास की जो कल्पना है, विकास के जो मॉडल है उनको चैलेंज किया जा रहा है, और इस विकास योजना से, इस वंदन विकास योजना के माध्यम से हमको बताया जा रहा है कि जो भारतीय ज्ञान उसमें समाहित है उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। जो विकास की कल्पना हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि विकास मतलब बड़ी रोड, बड़ी रेल, ये भी विकास है, ये भी विकास है, लेकिन विकास वो भी हो सकता है जब हम आर्थिक रूप से अपने जनजातीय लोगों को उनको संबल बनाए, उनको एम्पावर करें, और वहाँ से विकास जो है लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़े। अभी क्या है, ग्लोबल से लोकल की तरफ अभी टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ से डाउन टू टॉप अप्रोच जो सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच गया है। अब ये सही समय है कि हम विकास की अवधारणाओं को, विकास की एक अल्टरनेट अवधारणा समाज में पोषित करें और उसको प्रेषित करें। बिल्कुल डॉक्टर शिव, प्रोफेसर वार्ष ने हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वंदन योजना की, किस तरह का इम्पैक्ट अगर हम साउथ एशिया या ग्लोबली बात करें तो क्या इम्पैक्ट इसका दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका भविष्य में बहुत भारी इम्पैक्ट हमको नज़र आता है। पहली बात तो है कि ये जो वंदन योजना हमने शुरू की है और ये मैं समझता हूँ काफ़ी तेज़ी से चली है और काफ़ी प्रचलित भी हो रही है, तो इससे जो हमारे आसपास के देश हैं, और मैं कहूँगा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, तो वहाँ पर भी इस तरह के कोऑपरेटिव सिस्टम का ये एक मोल्ड बताता है, ये एक पैटर्न प्रेजेंट करता है, तो इंटरनेशनली इसका सपोर्ट और इसका एक यूज़ और इसका एप्लीकेशन बहुत भारी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेनिंग की आपने बात की उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ट्रेनिंग कैसे होगी, क्योंकि ये काफ़ी व्यापक जगह है और बहुत हमारा
क्षेत्रफल काफी बड़ा है देश का, तो इसमें हमको पहले तो मास्टर ट्रेनर्स को ढूंढना है, फिर उसके साथ में हमको ये बनाना है कि आखिर ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाए, तो उसका करिकुलम तैयार होना है। तो इसमें IIPA जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बड़ा भारी रोल है कि मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग वो शुरू करें, ताकि वो जा करके इन लोगों के साथ में मिल करके ग्रामीण स्तर पर उस ट्रेनिंग को दे सकें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कई सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर आते ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, आसाम में झाड़ू बनाने की जो घास होती है उसको वहाँ की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये जो 2000 करोड़ की जो ये बात की कि ये टोटल एनुअल रिटर्न मिलता है हमको माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, तो उसके अंदर ये आती ही नहीं है। तो अभी हमको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो आइटम्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से संगलित करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो ये इकोनॉमिक सिस्टम में आती ही नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ओढ़ें जोड़ लें तो हमें लगता है कि ये बहुत ही प्रबल और बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा, जो 2 साल नहीं चलेगा, 20 साल नहीं चलेगा, जो कि अगले कई सालों तक चलता चला जाएगा और साल दर साल इसकी उन्नति होती रहेगी और इससे लोगों को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा, जो कि वहाँ के रहने वाले लोग हैं उसके साथ साथ जो इस प्रोड्यूस को कंज्यूम करने वाले लोग हैं उसको भी इसका बहुत भारी फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल प्रोफेसर नूपुर, यहाँ पर जैसे कि चैलेंज की बात की प्रोफेसर वाशने ने कि स्किल ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की बात करें, डिजिटल ट्रेनिंग की बात करें, तो किस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं और कितना आसान हो जाएगा अगर इस तरह की ट्रेनिंग हो जाए तो लोकल प्रोड्यूस को मार्केटिंग करना? ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग मास्टर ट्रेनर्स को ही एक जिसे आप कहें नेशनल लेवल पर बनाया जा सकता है या उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन उससे भी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करने की कि उनकी नीड क्या है। हर जो कि ट्राइबल जो है क्लस्टर्स में काम करता है, संकुल में काम करता है अलग अलग जगहों से, तो इस पर्टिकुलर ट्राइबल की क्या ज़रूरत है ये पहले जानना ज़रूरी है और इस पर काफ़ी काम भी हो चुका है। और एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसी बेल्ट पर शायद महुआ ज़्यादा होता होगा और किसी बेल्ट पर चिरौंजी ज़्यादा होता होगा, इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी जो मैसिव कलेक्शन भी होती है अलग ढंग से होती है। एक छोटा सा फील्ड इंटरवेंशन के एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ कि जब ट्रेनिंग की बात हुई और इसमें आप देखिएगा कि MFP की मेजर जो कलेक्शन होती है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, या महिलाएं ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि नंबर में वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन करती हैं। तो जब ये ट्रेनिंग शुरुआत हुई उस समय मैं भी उससे जुड़ी हुई थी, तो इसमें आप तो एक एजेंडा बना लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स आए उसमें महिलाओं का नंबर बहुत कम था क्योंकि महिलाएं बिजी थी सुबह में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन करने के लिए। तो ये जब से सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होने चाहिए उनको ना मिले, जबकि जो लोग बचे हुए थे उन लोगों ने जाकर के एक ट्रेनिंग ली। ठीक है, तो ये एक तरह का आप कहिए कि एजेंडा बेस्ड नहीं होना चाहिए लेकिन आप नीड बेस्ड होना चाहिए और उसके बाद वहां जाकर के ही समझना है कि किसको देनी है। और ट्रेनिंग में महिलाओं की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए जब तक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम बातें करते हैं। जी देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि एक तो इसमें ज्योग्राफिकल टैगिंग की बहुत आवश्यकता है और उसका बड़ा स्कोप है। जब हम इसमें ज्योग्राफिकल टैगिंग करते हैं तो इसके माने हैं कि उसके अंदर एक बहुत भारी उसकी वैल्यू एडिशन दूसरे प्रकार से भी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तरह तरह डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट हिस्सों में लैंग्वेज की बड़ी एक अलग अलग विविधता है, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो इस तरीके से इस काम को बहुत विस्तार रूप से हमें देखना चाहिए, जिसकी कि अभी शुरुआत हुई है और इसके अंदर काफी सारा काम अभी हमको करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसके अंदर लाना है जो कि फॉरेस्ट टिम्बर के अलावा उसके अंदर उपयोगी होते हैं और जिनका के इस्तेमाल ट्रेडिशनली होता चला आया है। और जो सबसे बड़ी बात है जो कि कई दफ़े इसका जिक्र भी आया है वो ये है कि जो लोकल नॉलेज है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन अभी इसकी वजह से उसको प्रोत्साहन मिल रहा है और उसके अंदर निखार आ रहा है और उसके अंदर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नई नई तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नॉलेज जो
एक्वायर हो रही है और जो नॉलेज बन रही है, ये एक बड़ा भारी अपने आप में एक एक, एक बड़ा भारी कदम है और इसका आगे चल के हमको और बहुत सारा फायदा होने वाला है। और जब ये व्यापक रूप से लोगों के पास पहुंचेगी नॉलेज, पहले तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होगी और उसके बाद में इसको हम जब ग्रेडिंग करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे तो और लोग भी इसका और तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जिसको कहते हैं इनोवेशन की बहुत ज्यादा फिर एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इन सब की वजह से इसके अंदर आने वाले समय में बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक क्रांति आने वाली है और इसका बड़ा भारी उपयोग होगा देश के संसाधनों के कंजर्वेशन में, महिलाओं के उत्थान में और जो जनजाति हैं उनके आर्थिक जीवन के विकास में। जी बिल्कुल डॉक्टर शुभ, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर बात हो रही है लोकल आर्टिसंस की, लोकल ज्ञान परंपरा की, अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो क्या इम्पैक्ट उस पर आपको दिखाई देता है? कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो लोकल ज्ञान जिसके हम बोल रहे हैं, तो लोकल ज्ञान तो ये जनजातियों के पास हमेशा से रहा है। अगर हम ध्यान में करेंगे तो जो अगड़िया समाज के जो लोहार होते थे, वो हजारों सालों से वो ऐसा लोहा बना रहे हैं जिसमें रस ना लगे। वो ज्ञान की संपदा तो हमेशा से थी, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं। हमने उसको आज की डेट में जो हम पीयर रिव्यू साइंटिफिक चीज़ें होनी चाहिए, तो हम लोग ने कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक ही चश्मे से देखना की आवश्यकता रखी। पूरे एकेडमिया ने उनको सैंक्टिटी नहीं दी, या कह सकते हैं उनको हमने बताया कि ये ज्ञान तो है ही नहीं। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो ज्ञान की जो है एक उल्टी धारा भी बहने लगी है कि ज्ञान वहाँ से भी आने लगा है। अभी हाल ही में मैं पूर्वोत्तर में था तो वहाँ पे देखा कि फर्मेंटेड फूड्स का कितना प्रचलन है और फर्मेंटेड फूड्स की मार्केटिंग कैसे हो, इससे पूरी की पूरी नेहू में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और वो फर्मेंटेड फूड्स को कैसे कैसे मार्केट किया जाएगा। आज की डेट में उनके सारे प्रोडक्ट्स, काफ़ी लोग उसमें एक्टिव हैं, सारे प्रोडक्ट्स विदेशों तक भेजे जा रहे हैं। तो अल्टरनेट आइडिया ऑफ फर्मेंटेड फूड्स भी यहाँ पे प्रचलित किया जा रहा है, तो ऐसा मेरा कहना है मैम। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर तिवारी कि ये सिर्फ लोकल जो प्रोड्यूस है उसी का वैल्यू एडिशन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस तरह के स्किल डेवलप करने हैं, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, इसमें जो 50,000 VDV के बनाए गए हैं उनका यही मकसद है कि एक कोलैबोरेशन या फिर उसको सिनर्जी कहिए, उसमें इनकी इनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करी गई है और इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी इसमें काफ़ी हद तक बात की जाती है। तो इसमें हर स्टेप में कैसे इसमें वैल्यू एडिशन तो सबसे बड़ा इसका मसला तो है ही, साथ में उसकी स्किल भी डेवलपमेंट उनकी है जी। तो ये वैल्यू एडिशन कैसे करें, क्योंकि इसमें एक ब्रांडिंग की भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देखिए कि अगर आप इमली लेते हैं, इमली जो एक होता है टैमरिंड, उसको आप डीसीडिंग करें और डीसीडिंग के बाद उसकी कैंडी बनाएं, तो जो शायद 10 रुपए में मिले 500 रुपए में भी उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर बाहर ले जा सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है राइट फ्रॉम कलेक्शन टिल ये मार्केटिंग या इवन जो एक्सपोर्ट की बात आप करें, ये सारा प्रोसेस VDV के देख रहा है इनके साथ, तो इनकी सारी एक्सपोजर भी कराता है और हर लेवल पर आप ट्राइफेड की जितनी प्रोडक्ट्स देखिए उसकी कितनी अच्छी ब्रांडिंग होती है और उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी इनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इनको सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर शुभ आप बात कर रहे थे कि एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का डिसेंट्रलाइजेशन है, वो समझना चाहिए। अमूमन हमारी जो कल्पना है कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता जो है वो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से निकल के आएगी। अभी जो है मॉडल अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान में देंगे, तो ये पूरा वंदन विकास योजना एक एक प्रकार से उद्यमिता का एंटरप्रेन्योरशिप का एक विकेंद्रीकरण है। गांव-गांव में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टैब्लिश करना, महिलाओं को एम्पावर करना, उसके साथ में उनको सीड फंडिंग देना, उनको कुछ पैसा भी देना उनके केंद्र को। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकली आप देखेंगे कि लोकल अभी क्या होता है कि लोकल प्रॉब्लम का ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन अभी टेक फॉर ट्राइबल्स के माध्यम से जैसे पूर्व में बताया गया, वहाँ पे ट्राइफेड ने IITs IIMs के संग काफ़ी कोलैबोरेशन करके वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उसके साथ में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम है, ग्लोबली उसको नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो वहीं का वहीं सॉल्यूशन देना। और फिर ये जो लोकल से ग्लोबल की ओर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर ही है,
ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियस सोसाइटी है उसको एक तरीके से एग्जाम्पलीफाई करना, उसको वहाँ ये सॉल्यूशन पूरे विश्व तक प्रचार करना, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लोकल टू ग्लोबल की ओर बढ़ गई है और इसका विकेंद्रीकरण हो गया है। जी, आप से भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर वार्ष्णेय, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि न सिर्फ प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन बल्कि ट्राइबल्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी ले जाना एक इसका मकसद है। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो भारत में आपको कौन से ऐसे ट्राइबल्स के स्किल्स दिखाई देते हैं, उनके जो ऑलरेडी जो उनकी नॉलेज है उसको स्किल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसका कैसे अमलगमेशन किया जाए, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक के स्किल डेवलपमेंट और इंडिजिनस नॉलेज का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि अभी ये अनटैप्ड रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे जंगलों में बहुत तरह तरह के जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी नॉलेज लोकल कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको कि अभी तक कभी एकत्रित सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा गया है और न उसको इकट्ठा किया गया है। तो एक ये बहुत अच्छा इस स्कीम के थ्रू उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ठीक से समझें और उनके उपयोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में तैयार होता रहे, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। दूसरी बात यह है कि इससे हमारे इस जन स्वास्थ्य के अंदर और सस्ता स्वास्थ्य के अंदर एक बहुत बड़ी एक प्रगति आएगी। इसके साथ साथ जो खुशबूदार पौधे हैं और जो एक मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनकी खेती और इनके बढ़ावे में इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत आगे चलने वाली है और जनजातियों के सहारे से और उनके सहायता से इसके अंदर बहुत प्रगति होने वाली है, जिसकी कि हमारे देश में और विदेश में ऐसी खुशबूदार चीज़ों की बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत सारी इसकी आवश्यकता है और ये बहुमूल्य हैं और इनकी कीमतें निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि देश के अंदर और दुनिया के अंदर जंगल कम हो रहे हैं और वहाँ पर ये जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, लेकिन इस माध्यम से इनको बढ़ोतरी दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उनको समझाना पड़ेगा और इसके बाद साथ में इसी तरीके के प्रयास हर जगह होंगे। तो ये सारे देश के अंदर इतनी जैविक विविधता है कि उसका सदुपयोग होगा, उसकी एक तरीके से बढ़ोतरी होगी और उससे नए नए आर्थिक विकास होगा, जिससे कि देश को फायदा होगा और जनजातियों को तो अवश्य उनके जो आर्थिक प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत उन्नति होगी। जी बिल्कुल, प्रोफेसर नूपुर आपसे समझना चाहेंगे, आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम सोशली देखें तो किस तरह का इम्पैक्ट ट्राइबल्स पर दिखाई दे रहा है? अब सबसे बड़ी बात तो है कि जो एक रिकॉग्निशन की बात करते हैं आप कि उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, स्किल है, इनको जो लुप्त होता जा रहा था या फिर इतना बड़ा जो एक समूह बना है इनका, जैसे कि आप इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज की अब बात करें, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, इसको तो एम्स ने भी प्रूव किया है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसकी बेनिफिट्स ली जानी चाहिए और मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इनका एक पूरा आप उसको कह सकते हैं बचाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जब इतनी बड़ी इनको इनकम अभी तक से तो मिडिल मैन के थ्रू या फिर इनको अच्छी मार्केट नहीं मिलती थी तो बहुत सस्ते में ये चीज़ें बेच देते थे, लेकिन इनके पास जो इनके ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद जो एक स्किल जनरेटेड होता है जिसके थ्रू ये वैल्यू एडिशन करते हैं या उसको इसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिसको बेचा जा सके, तो 50% से भी ज़्यादा इनकम इनको उसके जो चीज़ें जो बेची गई हैं उससे उनको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इनके हाथ में इतनी बड़ी कैश मनी आएगी और एक सोशल रिकॉग्निशन भी मिलेगा तो जो इनकी लिमिटेशंस है उसको तो बियॉन्ड जाएंगे, एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, लाइवलीहुड पर है या फिर इनकी शेल्टर्स पर है, सारी चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आएंगी। बिल्कुल डॉक्टर शुभ, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप सभी बता रहे हैं कि जो नॉलेज है, जो लोकल नॉलेज है, वो ना सिर्फ इंडिया में एक मॉडल की तरह काम करेगी बल्कि इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी एक मॉडल की तरह काम करेगी। आप जैसे मेंशन कर रहे थे कि बिना फर्टिलाइज़र के कैसे खेती की जा सकती है, ये भी एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। जी, अभी अगर हम ध्यान देंगे तो सिक्किम में कभी भी जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हुआ और पूरे के पूरे स्टेट को ही ऑर्गेनिक जो है बता दिया गया है। ऐसे नेचुरल जो फार्मिंग है
वो पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत प्रसिद्ध है, और अगर हम कुछ ट्राइबल एरियाज में देखेंगे, यहाँ पे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो नेचुरल फार्मिंग का बहुत उपयोग है। अगर आप रिसेंटली झाबुआ में भी देखेंगे तो कितना ज़्यादा जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेल्ट है वो सारा नेचुरल फार्मिंग ही कर रहा है, फर्टिलाइजर का कम से कम, बहुत ही कम उपयोग। तो कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व को जो कैंसर की प्रॉब्लम, नई नई बीमारियों का जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो उत्तर है वो इसी ट्रेडिशनल नॉलेज में छुपा हुआ है जी। ना सिर्फ ये, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स हैं उसको ट्राइफेड कैसे प्रचार कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि इसके प्रचार के माध्यम से ही आज आप दिल्ली मेट्रो में कहीं जाएंगे तो आपको गोंड कला के कितनी सारी दीवार दिखेंगी, तो वो कला भी प्रचारित हो रही है। ऐसा अगर हम पिचवई आर्ट को देख लें, गोंडी आर्ट को देख लें, भीली आर्ट को देख लें, भील जो कला है, वो सब के सब उनको प्रचार मिल रहा है। उनके जो आर्टिसंस हैं, उनके जो प्रोड्यूस हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में देश में मिल रहा है ट्राइफेड के माध्यम से। बिल्कुल, आपको क्या टेक अवे दिखाई देता है प्रोफेसर वाश ने? मैं तो देखता हूँ कि बहुत क्लियरली इसके अंदर वन संसाधनों की जो सही तरीके से उपयोग होगा और उनका जो व्यापार होगा बढ़ेगा, और अच्छी तरीके से उनका जीवन निर्वाह होगा, और उनके अंदर एक जागृति आएगी और वो देश की उन्नति में उनका एक बहुत ही सकारात्मक हिस्सा रहेगा और वो उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। और इस तरीके से जो कि हम कहते हैं कि जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं उनको एक ये बड़ा भारी सुअवसर है कि इससे वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने गाँव की स्थिति को सुधार सकते हैं, और जो जनजातियाँ हैं उनके अंदर एक अजीब किस्म की जागृति बन रही है, आ रही है और आगे और आएगी। और यही हमारी कामना है कि इस तरीके से सारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका संरक्षण होगा और उसकी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल प्रोफेसर नूपुर, आपको क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? जो हम अचीव करना चाहते थे वहाँ तक पहुँच पाए हैं, या अभी और भी आगे जाना बाकी है, क्या कुछ किया जाना बाकी है, किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, मेरे हिसाब से अभी शुरुआत ही इसको कहेंगे, इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी जर्नी काफ़ी आगे तक जानी है। क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी स्कीम की जानकारी भी पहुंचाना अपने आप में एक संघर्ष ही है, और इनको मोबिलाइज करके अपने साथ में लेकर के आना, अब बंधन विकास केंद्र तो बन गए हैं लेकिन काफ़ी मुश्किलात आते हैं इनको उस जगह पर लाना और उनको ट्रेनिंग देना या फिर उनके प्रोडक्ट्स को फिर आगे लेकर जाना। और ट्राइफेड इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी इनकी चूंकि जोनल विंग्स हैं, अलग अलग लेवल पर काफ़ी सारे विंग्स हैं, तो ये सब मिलकर के ये काम हो रही है। तो अभी रास्ता तो बहुत ही लंबा है, काफी दूर का है, लेकिन काफी सारी उपलब्धियां हुई हैं। आपको क्या दिखाई देता है डॉक्टर शिव, किस तरह के चैलेंजेस अभी हमको उन पर उनको पार करना बाकी है? नो डाउट, जैसे कि अभी बताया गया कि डिसेमिनेशन में वहां तक बात पहुंच रही है, ये भी अभी जो है वो काफी लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है, और साथ साथ में मार्केट में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर यहाँ पे हम दिल्ली में अगर हम देखेंगे या फिर मुंबई कहीं और जो मेट्रो सिटीज़ में है, वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान भी नहीं है कि क्या क्या अल्टरनेट फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको तो अवेयर करना ही करना है, लेकिन एक लार्जर मार्केट को भी, अभी मिलेट के माध्यम से बहुत सारे, मिलेट तो अन्य जगह भी उगाया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव फूड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, इनके इनकी मार्केटिंग भी होना आवश्यक है। हमको भी अवेयर होना है, हम कंज्यूमर्स को भी अवेयर होना है इन फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ऐसा मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मार्केट टू मार्केट ब्रिज करना, ये भी एक चैलेंज है और इसकी भी योजनाएं बनानी चाहिए। बिल्कुल, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे प्रोफेसर वाश ने। आप, हम भारत की बात करें तो इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक जो स्कीम है ये अभी शुरुआती दौर है, और जिस तरीके से इसके अंदर संभावना है वो बहुत ही मेरे ख्याल से उत्तेजनाजनक है, और उसका आगे चल के बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है, और उससे हमारी जो राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति है उसके अंदर सुदृढ़ता आएगी, और उसके साथ साथ जो जनजातियां हैं उनके जीवन के अंदर भी एक नया प्रकाश और नई ऊर्जा भरेगी। और ये तो काम चलेगा और आइंदा चलता रहेगा, और यही एक कामना है कि इस तरीके से जो इतनी भी
मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन सब को एक मौका है अपने आप को आगे बढ़ाने का, जोड़ने का और अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने का और आर्थिक रूप से ख़ास तौर से मजबूत करने का, और उसमें विशेषकर महिलाओं को आगे बढ़ने का एक बहुत भारी स्कोप है और एक बहुत हमें उसको उत्साहित रूप से और पूरे उत्साह के साथ में उनके साथ में आगे बढ़ने की एक गुंजाइश मिली है और एक अवसर मिला है। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी प्रोफेसर नूपुर प्रधानमंत्री वंदन योजना पर, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? प्रधानमंत्री वंदन योजना बहुत ही लाभान्वित करेगा आगे समय में, अभी भी ये शुरुआत हुई है और ट्राइबल की लाइवलीहुड पर काफ़ी ऑप्टिमम रिजल्ट दिखेंगे क्योंकि जिस ढंग से इसे बनाया गया है और जैसे ये ट्राइबल के नॉलेज को लेते हुए इसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन की ही बात नहीं है, इनको मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, तो लाइवलीहुड के जनरेशन में और एक उन चीज़ों को कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए भी और इनके नॉलेज के कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत ही बड़ा एक पहलू है। जी डॉक्टर शुभ, यहाँ पर प्रधानमंत्री वंदन योजना ने किस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन पर इम्पैक्ट डाला है, वो आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क। तो नेचुरली अगर आप देखेंगे तो जनधन, वंदन और गोवर्धन, ये तीनों के अगर ट्रिनिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने मास लेवल पे ग्राउंड लेवल पे उसको एम्पावर करने को, जो समाज हाशिए पे खड़ा था आज से कुछ साल पहले, उसको एम्पावर करने का एक प्रयास है। और ख़ासकर अगर हम वंदन विकास योजना की बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें महिलाओं की प्रतिभागिता अगर हम खासकर महाराष्ट्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरली पहले भी SHGs काम करते थे जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो अब इस अगर हम उसको थोड़ा सा चैनलाइज करते हुए देखेंगे ये वंदन योजना के माध्यम से, ये चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं और उनको फर्दर एम्पावरमेंट मिल रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को फर्दर मार्केट कर पा रहे हैं। अभी ध्यान में आता है कि 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप इस योजना के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब हर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 लोग भी हैं तो लगभग 3,00,000 लगभग लोग जो है इससे जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता, महिलाओं को अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है इसके माध्यम से, वो महिलाएं घर में कुछ और बनाती थी, कुछ और करती थी, लेकिन आज उनको सीधे मार्केट से जोड़ दिया गया है और उनके पास बैंक अकाउंट भी है। तो वो एक पूरा एक सोशल, अगर हम सोशल एम्पावरमेंट देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सोशल इंक्लूजन की पहल भी है ये वंदन विकास योजना। बिल्कुल, आप तीनों ने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी यहाँ पर हमको दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री वंदन योजना की, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसने ट्राइबल कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट डाला है, कैसे फायदा पहुंचाया है, इसकी आज हमने बात की। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है DDUrdu Specials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आदाब।